वेलकम बैक गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। मेरे सामने वाला घर बहुत ही ज़्यादा अमीर है और यहाँ पर एक कैरेक्टर है और ये नीचे मनी ऑफ यानी कि पूरी तरीके से मनी को स्वैप कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना हम लोग इससे मनी लेकर डायमंड का ब्लॉक खरीदते हैं और अपने घर को भी अपग्रेड कर लेते हैं और देखते हैं क्या सीन होगा। इसके पास कार भी है और इसके पास एक अच्छा घर भी है, मैं इससे पैसा मांगता हूँ। लेकिन ये क्या मैन, इसने तो मुझे भगा दिया, इसने मुझे पैसा देने से इनकार किया और मेरा घर पूरी तरीके से गरीब जैसा है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे अपने घर को इससे भी ज़्यादा अमीर यानी कि इससे भी ज़्यादा मुझे बड़ा बनाना है। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो में मज़ा आएगा। अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी सैड हूँ क्योंकि मुझे ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसकी मदद से मुझे मनी मिले और मनी की मदद से हमें जो डायमंड का ब्लॉक मिले उसकी मदद से हम लोग अपने घर को अपग्रेड कर पाएंगे। और जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, सामने बैंक दिखाई देता है और मेरे दिमाग में एक ख़तरनाक सा आइडिया आया है, क्यों ना हम लोग बैंक में रॉबरी करें। तो अगर हम लोग बैंक में रॉबरी करते हैं तो मुझे काफ़ी सारा मनी मिलेगा और मनी की मदद से हम लोग यहाँ पर डायमंड का ब्लॉक खरीद पाएंगे और उससे अपना घर भी अपग्रेड कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या सीन होगा। और राइट सामने से हम लोग चोरी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सामने जो है पुलिस वाला है। तो देखते हैं क्या सीन होता है, हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को मज़ा आएगा। ओके, ये अच्छी तरीके से बॉडी गार्डिंग कर रहा है। चुपके से निकल चलते हैं इसके साइड में, बैंक के साइड में आते हैं और मैं चुपके से इस तरफ आ चुका हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग इस बैंक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके चुपके से पैसा लेकर निकल जाए। लेकिन ये क्या, उसने मुझे देख लिया, उस गार्ड ने मुझे देख लिया और मुझे किल करने के लिए मेरी ओर बढ़ रहा है। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो ये पुलिस वाला मुझे किल कर देगा। फटाफट चलते हैं। ऑल राइट, दोबारा से मैं अपने घर के पास आ चुका हूँ। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, इस बैंक में रॉबरी तो मुझे करना ही करना है चाहे जो भी हो जाए। ओके, मुझे सामने एक साइन बोर्ड दिख रहा है, तो चलो फटाफट चलते वहीं पर, उसके बाद देखते हैं क्या सीन होने वाला है, वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। और यहां पर मुझे एक लेजर मिलेगा, लेजर की मदद से हम लोग बैंक के डोर को दो हिस्सों में कट कर सकते हैं या फिर बैक साइड कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे पहले सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर लेजर लाइट मिलेगा मुझे, 3 + 12 + 6 कितना होता है, यहाँ मुझे जवाब देना है। तो मैंने यहाँ पर सही जवाब दे दिया है, तभी यह ऊपर जाकर पटाखा फूट गया। ये मुझे अब लेजर लाइट देगा। ऑल राइट, ये रहा लेजर लाइट। इस लेजर लाइट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, बैंक को दो हिस्सों में कट कर देंगे। ये जो हमारा लेजर लाइट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और काफ़ी ज़्यादा खास भी है। ओके, ये मुझे ट्राई करने के लिए बोल रहा है, ट्राई करते हैं। डायमंड ब्लॉक को भी काट सकता है, इसमें पावर है। ओके, देख रहे हो क्या सीन है, डायमंड ब्लॉक को भी दो हिस्सों में कर दिया। क्या मैंने, ये तो बीच से खोखला है, देख रहे हो। मुझे लगा था ये भरा हुआ होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये डायमंड ब्लॉक तो बीच से खोखला निकला। वैसे मैं इसे ट्राई कर रहा था क्योंकि बैंक के डोर को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है। ओके, रात होने का वेट करना पड़ेगा मुझे लगता है। तो हम लोग अपने घर आ चुके हैं और मुझे लगता है कुछ देर आराम करना चाहिए, उसके बाद देखते हैं क्या सीन होगा। और यहाँ पर काफ़ी देर हो चुका है। ऑल राइट गाइस, अब फटाफट से बाहर चलेंगे क्योंकि मुझे बैंक में रॉबरी करनी है। ओपन कर लिया है और यहाँ पर नाइट हो चुका है, अब हम लोग बैंक के पास जा सकते हैं, बैंक रॉबरी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो चलो फटाफट चलते हैं और बैंक रॉबरी करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आएगा। हम लोग यहाँ आ चुके हैं, वो रहा बैंक और गार्ड सो रहा है और यही मौका है हमारे पास बैंक रॉबरी करने का। ऑल राइट, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा सबसे पहले। ये सो रहा है पूरी तरीके से गहरी नींद में, यहाँ पर ये पुलिस वाला है। इस लेजर गन की मदद से इसे डिस्ट्रॉय करते हैं डोर को पूरी तरीके से। ऑल राइट, हम लोगों ने डोर को डिस्ट्रॉय कर दिया, बीच का हिस्सा कट कर दिया है और ये अभी तक सो रहा है। अंदर चलते हैं, अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारा लॉकर है। इन सारे सेफ में जितना रुपया है हम लोग क्या करेंगे, अपने इन्वेंट्री को पूरी तरीके से फुल कर लेते हैं। तो मैंने अपने इन्वेंट्री को पूरी तरीके से फुल कर लिया है, अब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो चुका है। यहाँ से बाहर चलते, लेकिन वेट, पुलिस वाला देख लिया, मुझे इसे किल करना होगा लेजर लाइट की मदद से। ओके, पुलिस वाले का मैंने खात्मा कर दिया। इस गार्ड को किल करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर मैं इसे किल नहीं करता तो ये मुझे किल कर देता। अब देखते हैं मज़ा आएगा। मैंने अपने घर को पूरी तरीके से अपग्रेड कर लिया है, अब ये सामने वाला देखेगा तो ये पूरी तरीके से हैरान हो चुका है क्योंकि मेरा जो घर है मैंने उसी पैसों से डायमंड, एमरल्ड, गोल्ड का ब्लॉक लेकर पूरी तरीके से
एक शानदार एक जाइंट सा मेंशन बना दिया है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करो और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अगले एपिसोड में, और देखते हैं अगला एपिसोड हमारा कैसा होने वाला है। अब हमारा होने वाला है सुपर चैलेंज, यानी कि इस एपिसोड में हम लोग चैलेंज को फेस करेंगे। हम लोगों को नहीं पता कौन सा चैलेंज है, ये तो हमें अब पता चलेगा कौन सा चैलेंज है जो हमें फेस करना होगा। मजा तो बहुत आएगा, आप लोग बने रहना वीडियो पर। आगे चलते फटाफट से, मेरे सामने बैंक है, ये दूसरा बैंक है, वैसा ही बैंक है लेकिन ये दूसरा बैंक है, और हमारा चैलेंज यहीं पर होने वाला है। आ चुके यहाँ पर और ये मुझे साइन बोर्ड दिखा रहा है, देख लेते हैं क्या सीन है। ब्रेक द बैंक, यानी कि बैंक को मुझे ब्रेक करना है, गेट मनी। अगर मैं इस बैंक को डिस्ट्रॉय करता हूँ, अगर इसके वॉल को डिस्ट्रॉय करके अंदर घुस जाता हूँ, तो ये रिच मैन मुझे बहुत सारा मनी देगा और इसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हो जाता हूँ। तो चलो घर चलते हैं फटाफट से, आ चुके अपने घर पर, पिकैक्स वगैरह लेते हैं, उसकी मदद से हम लोग डिस्ट्रॉय तो कर ही देंगे। मेरे पास आयरन का पिकैक्स है और वहाँ पर आयरन ब्लॉक लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस आयरन पिकैक्स की मदद से उस आयरन ब्लॉक को जो कि बैंक बना हुआ है इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये मुझे बोल रहा है फटाफट से चलते हैं इसे डिस्ट्रॉय। ये क्या मैन, मैं कितना भी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये वॉल डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो, ओहो मैं समझ गया, अगर इतना आसान होता तो ये मनी रखता है क्यों, डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है क्यों, अगर आयरन पिकैक्स की मदद से आयरन के ब्लॉक को डिस्ट्रॉय कर देता तो। इसे किसी और तरीके से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, दिक्कत वाली सीन नहीं है, हमारे पास वो भी जुगाड़ है। हमारे पास एक ड्रिल मशीन है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत पावरफुल ड्रिल मशीन है। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पे ड्रिल मशीन ले लिया है, ये ड्रिल मशीन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस ड्रिल मशीन की मदद से हम लोग इस बैंक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, देख सकते हो एक बार में कितने ब्लॉक को डिस्ट्रॉय कर देता है, इतना काफ़ी है। इस ड्रिल मशीन की मदद से इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। डिस्ट्रॉय करते इसके वॉल को, ये क्या मैन, ये तो काम ही नहीं कर रहा, मैं कितना डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ और सोचना पड़ेगा। पिकैक्स फेल हो गया, ड्रिल मशीन भी फेल हो चुका है, तब इसे किल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैं वैसे काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका हूँ, मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर को कॉल करते हैं, वेपन मंगाते हैं फटाफट से। तो मैंने फ़ोन लगा दिया, उस तरफ पुलिस ऑफिसर को लग चुका है, तो मैं इसे सारे बात बता देता हूँ, मैं इसे मनी दूंगा जो मैंने वहाँ से कमाया था, मैंने सारा का सारा चीज़ बता दिया जो मैंने पिछले एपिसोड में यहाँ पर जो बैंक रॉबरी किया था, दूसरा बैंक, ये तो दूसरा बैंक है ना, पहला बैंक में जो रॉबरी किया था। पुलिस ऑफिसर आ चुका है, वेपन लेते हैं, ओके ये डिस्ट्रॉय करेगा मेरे बदले में, देखते हैं काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा वेपन से ये सेफ डिस्ट्रॉय होता है या फिर नहीं, इसका फैसला अभी हो जाएगा। अगर वेपन से भी नहीं होगा तब तो मुझे कुछ और लाना पड़ेगा जो काफ़ी ज़्यादा बिग साइज का हो, और ये पुलिस वाला काफ़ी ख़तरनाक तरीके से फायरिंग कर रहा है। ऑल राइट, लेकिन ये क्या मैन, ये भी पूरी तरीके से हार चुका है। ओके अब मुझे कुछ और चाहिए, कुछ और लाना पड़ेगा, क्या ला सकते हैं, टैंक लाना पड़ेगा, समझ गया, टैंक की मदद से। वैसे टैंक का गोला काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, टैंक लेकर जाएंगे और टैंक से हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे और ये आर्मी मुझे अपना टैंक देगा। ऑल राइट, ये रहा टैंक, टैंक की मदद से उस बैंक को तो मैं डिस्ट्रॉय कर ही दूंगा, चाहे जो भी हो जाए उस बैंक को डिस्ट्रॉय होना ही होना है, कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हम लोग टैंक लेके आ चुके हैं, इसी टैंक से सीधा हम लोग हमला करेंगे बैंक पर, और काफ़ी तेज़ तरीके से हमला करेंगे और बैंक को पूरी तरीके से उड़ा देंगे। और यहाँ पर हमने हमला कर दिया, लेकिन ये क्या मैन, अरे यार गोला टकरा के मेरी ही बैंड बजा दिया, देख रहे हो जहाँ मैं खड़ा था टैंक को ही वापस टैंक का गोला उड़ा दिया। अरे यार मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, टैंक का गोला भी पूरी तरीके से फेल है, टैंक उड़ गया लेकिन ये बैंक नहीं उड़ा, मैं भी उड़ गया लेकिन ये बैंक नहीं उड़ा, अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे पावरफुल क्या हो सकता है, टैंक तो सबसे पावरफुल था लेकिन इससे पावरफुल क्या हो सकता है, सोचना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, फिलहाल के लिए मैं इस तरफ आ चुका हूँ, जैसे हम लोग यहाँ पर आते कुछ होता है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है किसी चीज़ का, साइंटिस्ट बैठा है, ओके मैं समझ गया मुझे क्या करना है, इस साइंटिस्ट की हम लोग मदद ले सकते हैं, और यहाँ पे इसके पास लेजर है, ओके ये तो वो स्टिक है जो मैंने इसे दिया था, इसे मैंने बेच दिया था फिलहाल के लिए,
तो मैंने यहाँ पे लेजर ले लिया है। इस लेजर की मदद से मेरे दिमाग में पहले ये आइडिया क्यों नहीं आया, इस लेजर की मदद से ये बैंक तो दो हिस्सों में बटेगा ही। अभी देखना मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोग बने रहना। इस लेजर लाइट की मदद से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऑल राइट, हम लोगों ने बैंक के अंदर दरवाजा बना दिया है और इसके अंदर जितना मनी है सारा का सारा मनी मैं लेने वाला हूँ। ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सीन हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके।